नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में आचार संहिता लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के जबलपुर में खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। जबलपुर के ISBT बस स्टैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव की तस्वीर लगी गाड़ी खड़ी हुई है और जिस पर किसी भी अधिकारी की नजर नहीं पड़ी। बताया जा रहा है कि ISBT बस स्टैंड में बीते कई दिनों से ये गाड़ी खड़ी हुई है। हालांकि इस मामले में जब जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना को जानकारी दी गई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि गाड़ी को तुरंत ही सार्वजनिक स्थान से हटा दिया जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान देश में आचार संहिता लगी हुई है और ऐसे में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मंत्री नेता की तस्वीर नहीं लगाई जा सकती है। इसके बाद भी जबलपुर के ISBT बस स्टैंड में दीनदयाल रसोई योजना का चलित वाहन खड़ा हुआ है। बता देते हैं कि वाहन में एक तरफ प्रधानमंत्री तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी हुई है। वाहन में लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश शासन की पहल, जरूरतमंद की थाली नहीं रहेगी खाली। सार्वजनिक स्थान पर खड़ी दो गाड़ियां खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रही हैं, पर ताज्जुब की बात तो ये है कि किसी भी अधिकारी की इस पर नजर नहीं पड़ी। जबलपुर के स्थानीय निवासी अखिलेश त्रिपाठी ने सरकारी बस स्टैंड में PM और CM की तस्वीरों से लगी गाड़ियों के खड़े होने पर आपत्ति जताई है। अखिलेश त्रिपाठी ने यह बताया कि जिस तरह से खुलेआम यह गाड़ी खड़ी हुई है उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि जिला प्रशासन की निगरानी में ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग का इस ओर ध्यान ही नहीं जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे तो वहां बने हाथियों के बूथ को चादर डालकर कवर कर दिया गया था। वहीं प्रशासन इन गाड़ियों को भी चाहता तो ढक सकता था। जबलपुर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में बीते कई दिनों से दीनदयाल रसोई चलित वाहन खड़ा हुआ है, जिसमें कि PM और CM की तस्वीर लगी हुई है। खुलेआम ये आचार संहिता का उल्लंघन है और इस विषय पर जब जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना से बात की गई तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ही ऐसा नहीं होना था और मेरी जानकारी में अभी ये मामला आया है, तुरंत ही दोनों गाड़ियों को वहां से हटाया जाएगा। इसके साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और उसकी शिकायत अब नहीं मिलनी चाहिए।